ये जो पिज़्ज़ा है ये मैंने आलू का बनाया है और ये बहुत ही मज़े का बनता है जिस तरह आपको देखने में इसकी लुकिंग बहुत प्यारी जबरदस्त लग रही है और खाने में ये बहुत ही मज़े का बना है तो ये पिज़्ज़ा जो है ये मैंने आलू का पिज़्ज़ा बनाया है और इसमें कुछ मैंने वेजिटेबल्स थे वो मैंने डाल लिए हैं अगर आपके पास भी जो भी वेज हो आप डाल सकते हैं तो बच्चे वैसे तो आपको पता है खाते नहीं इस तरह बच्चे खा लेंगे तो आप डिनर आधा किलो अगर आपके पास आलू होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से डिनर जो है वो रेडी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल मैं, मैं हूँ रहीला आप देख रहे हैं रहीला किचन यू के तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं बनाऊंगी आलू का पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं जी आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का बड़ा ही डिलीशियस डिलीशियस बनता है आपने ज़रूर ट्राई करना है तो फिर मुझे बताना कि ये मेरी जो रेसिपी है आपको कैसे देख सकते हैं यहाँ पंद्रह सौ बाहर से बहुत ही प्यारा ये कुकिंग हो चुका है तो ये कुछ वेजिटेबल थे ये मैंने डाल लिए हैं अब मैंने ये तीन से चार मेरे पास पटेटोज थे आलू थे ये मैंने ले ली है इनका मैंने छिलका ऊपर से मैंने चारों का तार लिया है तार कर फिर मैंने इनको पानी में डिप कर लिया था ताकि ये काले ना हो जाएँ तो उसके बाद फिर मैंने ये गाजर थी मेरे पास दो गाजर मैंने ले ली हैं इनको मैंने जुलियन टाइप में काट लिया है बहुत ही ब्रीक करके मैंने काटी थी बहुत मोटी नहीं आप चाहे तो ग्रेटिंग भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इनको छुरी के साथ ही इस तरह छोटी छोट सी ब्रीक जो है वो मैंने कर ली है चलिए जी उसके बाद हम चलते हैं अपने जो मेरे पास बेल पेपर था ये मैंने बेल पेपर और रेड वाला ग्रीन और रेड दोनों मैंने एक एक लिए हैं इनको भी मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया है उसके बाद ये आलू है मेरे पास आलू भी इस तरह मैंने ब्रिक ब्रीक से काट लिए हैं आप चाहें तो इनको आप ग्रे, ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं तो चलिए जी उसके बाद फिर इनको मैंने पानी में डिप कर दिया था इसलिए कि इनके अंदर जो स्टार्च सा होता है वो आलू से निकल जाए सारा तो उसके बाद मैंने छलनी में डाला इनको तो मैंने इनका पानी जो है वो अंदर से सारा ड्रिन कर लिया है उसके बाद वेजिटेबल को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है मैंने दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया था इसके अंदर मेरे पास एक ओनियन था वो मैंने बड़ा सा उसको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है कर लिया और ये मैंने डाल लिया इसको हल्का सोते करेंगे इसको हमने रेड वगैरह कुछ भी नहीं करना और उसके बाद मेरे पास गाजर थी ये जो दो गाजरें हैं ये मैं डाल दूंगी उसके बाद ये मेरे पास जो गाजर को फिर एक मिनट के लिए कुकिंग करेंगे फिर उसके बाद मेरे पास ये जो बेल पेपर है ये दोनों मैंने डाल दिए हैं और साथ ही इसके मेरे पास ये ब्लैक पेपर है ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया था नमक भी मैंने साथ ही इसके हाफ़ टी स्पून डाल दिया है आप अपनी मर्जी के हिसाब से या ज़्यादा कर सकते हैं तो ये सब्ज़ियाँ थी इस तरह इसमें नमक और ब्लैक पेपर ज़रूर काली मिर्च जानी थी उसके बाद ये मेरे पास चार एग मैंने ले लिए थे चार एग लेकर इनको मैंने ये बड़ी अच्छी तरह से फेंट लिया है इसके साथ ही मेरे पास ये दूध था दूध इसमें गया है दो कप मैंने दूध डाला है और दो कप एक मैंने पहले डाला था और मुझे थोड़ा लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा एक कप यानी कि मैंने इसके अंदर और डाल लिया था उसके बाद ये मेरे पास प्लेन फ्लावर है ये मैंने टू हंड्रेड ग्राम जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैंने स्टेनर भी साथ ही कर लिया ताकि अच्छी तरह से इन दूध और अंडों में मिक्स हो जाए कोई भी हमने ईस्ट वगैरह कुछ इसमें नहीं डाल डालनी तो ये ईस्ट के बगैर ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त अब ये बन जाता है ये देखिए मिक्सचर जो है मुझे थोड़ा गरस लग रहा था तो इसमें मैंने दूध थोड़ा सा और डाल लिया है और ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और साथ ही मैंने मेरे पास बेकिंग पाउडर था वो मैंने डाला है वन टी और उसके बाद ये पोटैटोज़ जो थे वो मैंने डाल लिए हैं और साथ ही में इसके वेज जो थे वो मैंने कुक किए थे वो भी मैंने डाल लिए हैं वेज को हमने ज़रा कुकिंग नहीं करना सिर्फ़ हमें हल्का हल्का सोटे करना है ताकि ये गल न जाए तो उसके बाद हम इनको जो वेजिटेबल थे वो ठंडे हो चुके थे और इनको उसके बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करके फिर उसके बाद हमने जो एक ट्रे है बेकिंग ट्रे मैंने ले ली है उसके ऊपर मैंने किचन टावल जो था वो मैंने ऊपर बेक का बेक वाला जो पेपर होता है वो मैंने लिया है और इसके ऊपर वो मैंने फैला दिया है और साथ ही इसके अंदर ये जो मेरे पास मिक्सचर मैंने बनाया था सारा ये भी इसके ऊपर मैंने डाल दिया है और साथ ही ये मेरे पास चेडर चीज है ये मैंने डाल दी है आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं लेकिन मैंने 200 ग्राम जो थी वो डाली है और मेरे पास ये मुजरेला चीज़ भी थी हल्की थोड़ी सी पड़ी थी तकरीबन तीस ग्राम होगी ये भी मैंने डाल दी है आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं दो की कोई ज़रूरत नहीं है तो लेकिन मैंने दो डाल दी है इसके बाद इनको देखिए मैंने यानी कि हंड्रेड एटी पर मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया है तो आप देख सकते हैं इसके बेकिंग जा का जो टाइम था वो फोर्टी मिनट लगा है फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट तो ये रेडी हो चुका है मैंने बाहर कर लिया है देख सकते हैं बहुत ही मजे का बना है आपने ये आलू का जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल मेहनत भी कुछ नहीं बहुत ईजी बन जाता है तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है देखते हैं अपने दूसरे पिज़्ज़ों के पीछे ये साथ थोड़ा सा सॉस था सॉस मैंने बना लिया है सॉस के अंदर मैंने ये, ये मोइनस थी वो मैंने डाल दी है और साथ ही मेरे पास टमाटो केचप था वो भी डाल दिया है और साथ ही सलाद सा, क्रीम थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है इन चीज़ों को हम बड़ी अच्छी तरह से तीनों को मिक्स कर लेंगे और ये सॉस बन गया है जी पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़े के साथ लगाने के लिए ताकि पिज़्ज़े की जो जो टेस्ट है वो यानी कि दुगनी हो जाए तो ये देख सकते हैं आप देखिए जितना लुकिंग और खाने में आपको देखने में लग रहा है खाने में ये बहुत ही मजे का लगता है बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए थे जब मैंने उनको बनाकर दिया है तो देख सकते हैं आप बहुत ही मजे का पिज्जा बना है चलती हूँ दो याद रखना मैं फिर नोट के बहुत ही जबरदस्त रेसिपी के साथ तो अगर अच्छी लग रही हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए अल्लाह असल